हेलो डियर स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि डिस्टेंस स्कॉलर लगातार अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपके क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए TMA का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है। तो इसी सॉल्यूशन को हमने दो प्लेलिस्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आपको चाहिए अपने सब्जेक्ट के TMA का सॉल्यूशन, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट से सर्च करना है क्लास 10th NIS TMA सॉल्यूशन। और अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको सर्च करना है हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 12th NIS TMA सॉल्यूशन, और आपको मिल जाएगा वहां से अपने सारे सब्जेक्ट का TMA का सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है हिंदी क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो फाइनली आज हम लेकर आए अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है कि आपको इसका 1 से 5 तक का आंसर, 1 से 5 तक का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन दोनों में दे दूंगी। वहां से आप उस लिंक को चेक करके अपने 1 से 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हम लगातार लेकर आ रहे हैं अमेजिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आइए समय बर्बाद नहीं करते, बात करते कि हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 में किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये TMA हैंड रिटन चाहिए या फिर अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को याद रखना है, नोट करके रखना है, इसको अपने मोबाइल में सेव रखना है और हमें जस्ट मैसेज करना है। वहां पर आपसे कुछ मामूली सा शुल्क चार्ज किया जाएगा और आपको मिल जाएगा आपके TMA का सॉल्यूशन या फिर PDF, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की कि हमने कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक का तो सॉल्यूशन आपके बुक में होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन आपके बुक में नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मेहनत को सराहिएगा और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करके चलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना कीजिए, तो आपको एक परियोजना यहाँ पे सॉल्व करनी है। पहला है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर क को लिया है, भारत में करियर के रूप में सर्वाधिक नए उभरते 5 विकल्पों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और फाइल तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे दिया है, देखो भारत में करियर के रूप में सर्वाधिक नए उभरते 5 विकल्प, तो हमने इन 5 विकल्प को लिया है। आप देखो और लिखो, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो और घर बैठ के आराम से बेहद सुंदर और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि अगर आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं करोगे तो सॉल्यूशन सही होने के बावजूद आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको ये पिक्चर लगानी है, ये पिक्चर पेस्ट करनी होगी। इसके बाद जो दूसरा करियर ऑप्शन है वो देखो हमने यहाँ पे दिया है फोटोग्राफर का, और इसका भी आपको यहाँ पे पिक्चर लगाना है। इसी क्रम में तीसरा रेडियो जॉकी का, ये देखो सॉल्यूशन, और इसका पिक्चर आपको यहाँ पे लगाना है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर को वहाँ से नोट करिए और हमें बस मैसेज कर डालिए, आपको आपका PDF आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। और ये रहा चौथा ऑप्शन ब्लॉगिंग ब्लॉगर, और ये रहा इससे संबंधित पिक्चर, ये रहा आपका लास्ट ऑप्शन, और इसको आप देखो और करो। और बस डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।